गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन, मैं सेसाद्री मैम आप लोगों को क्लास 3 का एसएसटी चैप्टर 11 पढ़ाने जा रही हूँ। चैप्टर 11 में आप लोगों का टॉपिक है गेम्स वी प्ले, मतलब खेल जो हम लोग खेलते हैं। गेम्स का मैं इस व्हाइट बोर्ड पे कुछ वर्ड मीनिंग्स लिख दी हूँ, आप लोग क्या कीजिएगा अपने नोटबुक में उतार लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। अब मैं आप लोगों को चैप्टर पढ़ाने जा रही हूँ, आप लोग अपने नोटबुक को खोलिएगा और ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। आपका चैप्टर है गेम्स वी प्ले, मतलब खेल जो हम लोग खेलते हैं। अभी मैं आप लोगों को गेम्स के बारे में कुछ बता दूं। गेम्स जो आप लोग खेलते हैं वो होता है टू टाइप्स का, एक आउटडोर गेम्स और एक होता है इंडोर गेम्स, जिसको कि मैं इस चैप्टर में पढ़ा के आप लोगों को समझाऊंगी। All of us have some work to do. हम सभी के पास, आपके पास, मेरे पास, सभी के पास कुछ न कुछ वर्क होता है। Children go to school, study and do their duties at home also. बच्चे का क्या काम है? स्कूल जाना, पढ़ना और उसके बाद घर पे आके अपना होमवर्क करना। Parents go to the office to work. और पेरेंट्स, माता पिता क्या करते हैं? ऑफिस जाते हैं काम करने के लिए। बट डूइंग द सेम वर्क ऑल द टाइम्स मेक्स पीपुल डल एंड इनएक्टिव। लेकिन पूरे दिन काम करने से क्या हो जाता है? व्यक्ति सुस्त हो जाता है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पीपुल टू रिलैक्स एंड डू समथिंग डिफरेंट फॉर फन। इसीलिए प्रत्येक आदमी को चाहिए कि रिलैक्स होने के लिए और मनोरंजन करने के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए, कुछ ना कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे कि उनका दिमाग मनोरंजित हो, उनका शरीर एक्टिव हो। चिल्ड्रेन लाइक टू प्ले गेम्स, फ्लाई काइट्स एंड वॉच टेलीविजन। बच्चे जो हैं अपना दिमाग रिफ्रेश करने के लिए क्या करते हैं? पतंग उड़ाते हैं, टेलीविजन देखते हैं। प्लेइंग गेम्स रिफ्रेश बोथ बॉडी एंड माइंड। और इस तरह का गेम जो होता है उनके दिमाग को भी और उनके शरीर को भी तरोताजा करता है। फिजिकल गेम्स लाइक फुटबॉल, क्रिकेट, साइकिलिंग, इट इज योर गुड एक्सरसाइज एंड इम्प्रूव मसल्स स्ट्रेंथ। और फिजिकल गेम जो होता है, शारीरिक गेम जैसे फुटबॉल, क्रिकेट, साइकिलिंग, ये सब जो है अच्छा एक्सरसाइज भी है एंड इम्प्रूव मसल्स स्ट्रेंथ। और यह क्या करता है? मांसपेशियों के शक्तियों में भी सुधार करता है। सम गेम्स लाइक चेस, स्क्रैबल, ईटीसी इम्प्रूव द मेंटल एबिलिटी ऑफ चिल्ड्रेन। और कुछ गेम जो हैं, जैसे चेस है, स्क्रैबल है, ये सब क्या करते हैं? मानसिक योग्यता को सुधारते हैं, बच्चों की मानसिक योग्यता में सुधार करते हैं। योगा रिलैक्स द माइंड एंड ऑल्सो इम्प्रूव द फिजिकल स्टेमिना। और योगा करने से क्या होता है? दिमाग तो रिलैक्स होता ही है, इसके साथ साथ क्या होता है? उनके शारीरिक शक्ति में भी सुधार आता है। देयरफॉर प्लेइंग इज एज इम्पोर्टेंट एज स्टडिंग। इसीलिए खेलना उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि पढ़ाई करना। अब हम लोग कौन कौन सा गेम खेलते हैं इसके बारे में मैं आप लोगों को समझा रही हूँ। लेट अस प्ले गेम्स आर ऑफ टू टाइप्स। गेम्स जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं, मैं पहले बता चुकी हूँ, आउटडोर गेम्स एंड इंडोर गेम्स। एक होता है बाहर खेलने वाला खेल और एक होता है घर के अंदर खेले जाने वाला खेल। वी कैन प्ले चेस, कैरम, स्क्रैबल, कार्ड्स एंड लूडो इंडोर्स। हम लोग ये सब जो गेम है, चेस, कैरम, लूडो, ये सब क्या करते हैं? घर के अंदर खेलते हैं। दीज आर ब्रॉड गेम्स। ये कैसा खेल है? मंडली में खेलने वाला खेल है। देयर इज नो नीड फॉर ए प्ले ग्राउंड टू प्ले दीज गेम्स। मतलब इस प्रकार के खेल को खेलने के लिए कोई प्ले ग्राउंड की जरूरत नहीं होती है। वी डू नॉट यूज मच फिजिकल एनर्जी
टू प्ले दीज गेम्स। और हम लोगों को ज्यादा इसमें शारीरिक शक्ति भी खपत नहीं होती है इस गेम को खेलने में, बट वी नीड टू कंसंट्रेट एंड थिंक बिफोर मेकिंग ए मूव टू विन सच गेम्स। लेकिन इस तरह के खेल को खेलने के लिए हमेशा हम लोगों को अपने दिमाग को केंद्रित करना होता है जो किस प्रकार से हम इस खेल को जीत पाएंगे। अब आगे है गेम्स लाइक फुटबॉल, हॉकी, क्रिकेट एंड वॉलीबॉल आर गेम्स प्लेड इन अ फील्ड और इन ए स्टेडियम। कुछ खेल हैं जैसे फुटबॉल, हॉकी, क्रिकेट, ये सब को खेलने के लिए हम लोगों को क्या चाहिए, प्लेग्राउंड चाहिए और स्टेडियम चाहिए। दीज आर आउटडोर गेम्स। इस प्रकार का जो खेल है वो बाहरी खेल कहलाता है, आउटडोर गेम्स कहलाता है। वी स्पेंड ए लॉट ऑफ एनर्जी इन प्लेइंग दीज गेम्स। और इस गेम को खेलने में हम लोगों की बहुत सारी शक्ति खर्च होती है। यंग बॉयज लाइक टू प्ले फुटबॉल एंड क्रिकेट। बड़े बच्चे जो होते हैं सो ज्यादा पसंद करते हैं फुटबॉल और क्रिकेट खेलना। दे प्ले दीज गेम्स इन ए ग्राउंड और इन ए पार्क। और वो इस प्रकार का खेल पार्क में और ग्राउंड में खेलते हैं। ऑल दीज गेम्स आर टीम गेम्स। इस प्रकार का जो खेल है सो हमेशा टीम में ही खेला जाता है, झुंड में ही खेला जाता है। इन स्कूल में चिल्ड्रेन प्ले खो खो एंड कबड्डी टू। और स्कूल में बच्चे खो खो भी खेलते हैं और कबड्डी भी खेलते हैं। साइकिलिंग एंड स्विमिंग आर गुड स्पोर्ट्स टू। साइकिलिंग और स्विमिंग जो है ये भी खेल अच्छा खेल है। दे आर ए फॉर्म ऑफ गुड एक्सरसाइज। और यह एक्सरसाइज का भी अच्छा तरीका है। स्विमिंग, स्कीपिंग एंड रोलर स्केटिंग आर सम ऑफ द पॉपुलर गेम्स एमोंग यंग चिल्ड्रेन। और बड़े बच्चों के लिए स्कीपिंग, स्विमिंग और रोलर स्केटिंग जो है यह भी बहुत ही लोकप्रिय खेल है। दो इट इज नॉट अलाउड बी ऑफन सी चिल्ड्रेन प्लेइंग क्रिकेट इन द स्ट्रीट कॉर्नर। जब कभी भी अगर हम लोग नहीं बच्चे को अनुमति देते हैं खेलने का तो हम अक्सर देखते हैं कि बच्चे क्या करते हैं, गली के कोने कोने में क्रिकेट खेलते हैं। चिल्ड्रेन इन इंडिया आर फॉन्ड ऑफ क्रिकेट एंड फॉलो द गेम वे। भारत के जो बच्चे हैं सो ज्यादा पसंद करते हैं क्रिकेट खेलना और फॉलो द गेम बेल, और क्रिकेट को वो अच्छा से समझते भी हैं। चिल्ड्रेन आर ऑलवेज पैशनेट अबाउट गेम्स। बच्चे हमेशा इन सब खेलों को खेलने के लिए क्या रहते हैं, हमेशा उत्साहित रहते हैं। अब है आगे आपका टॉपिक ओल्ड एंड न्यू गेम्स, पुराना खेल और नया खेल। पहले जो खेल खेला जाता था और अब जो खेल खेला जाता है उसके बारे में मैं आप लोग को बतला रही हूँ। Some games like chess and pachisi have been played in our country since olden time. पुराने समय में हमारे देश में चेस और पेचिसी खेला जाता था। A game called plunge is an old and famous game of South India. एक खेल है plunge जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है साउथ इंडिया में, दक्षिणी भारत में। Our parents and grandparents have also played games like hopscotch, gilli danta, marbles, etc. हमारे माता पिता और दादा दादी जो हैं, वो पहले क्या ज्यादा खेलना पसंद करते थे, गिल्ली डंडा और मार्बल्स। These games are played by children even today. लेकिन अब आजकल के दिनों में हम लोग अक्सर बच्चे को देखते हैं गिल्ली डंडा खेलते हुए। They are exciting and easy to play. वे इस खेल को खेलने के लिए बहुत ही उत्साहित रहते हैं क्योंकि ये खेल उनको बहुत ही आसान लगता है। Old games like कबड्डी and wrestling are popular in village. पुराने जमाने में, पहले के समय में लोग गांव में ज्यादा कबड्डी और कुश्ती खेला करते थे। स्कीपिंग पिटो
आर प्लेड वेरी ऑफन, अक्सर देखा जाता था कि वे स्किपिंग और पिट्टो खेलते थे। क्रिकेट इज द मॉडर्न वर्जन ऑफ गिल्ली डंडा, अभी जो हम लोग हमारे बच्चे जो क्रिकेट खेलते हैं वही है मॉडर्न वर्जन है गिल्ली डंडा का। पहले गिल्ली डंडा खेला जाता था और अब आप लोग क्या खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं। अब यह चैप्टर आपका समाप्त हो गया, आप लोग इसको अच्छा से पढ़ के समझ लीजिएगा। धन्यवाद।